नमस्कार, मैं समीर पठान और आप देख रहे हो क्राइम 7 न्यूज। शहर के आरएन क्षेत्र में से रुपयों के लेन देन के मामले में कपड़ा व्यापारी और उसके मित्र का कार में आए कुछ लोगों ने मारपीट कर अपहरण किया। उन्हें कड़ोदरा ले गए और फिर वहां भी उन्हें बुरी तरह से पीटा। इस मामले में व्यापारी ने आरोप लगाया कि अड़ाजन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ठोस कार्यवाही नहीं की। आपका नाम क्या है? सरगम शॉपिंग सेंटर नियर राजदीप सोसाइटी रूम नंबर 120। आपके साथ क्या है? मेरे साथ में सुबह मेरा फ्रेंड था, रूम नंबर वही है। सुबह मैं मकान नंबर 900 सुबह 8:30-9 बजे नरेश भाई जाफड़िया और घनश्याम भाई जाफड़िया उसके 4-5 आदमी आए थे। उन्होंने घर पे सोते समय दबक लिया और दबक घर में आने के अंदर बाद में उन लोगों को पहले मारा, उसके बाद गाड़ी में भर लिया। गाड़ी में भर के वो सीधे यहाँ से पंडेसरा लेके गए। अड़ाजन होते हुए अड़ाजन से गुजर गैस सर्कल से अठवा गेट से उधर दरवाजा से दक्षेश्वर मंदिर से GIDC पंडेसरा अमीन मिल में कोई रिपोर्ट नहीं मिलने के बाद उन लोगों को दादा इंडस्ट्रियल 123 नंबर 124 नंबर खाते में ले जाया गया। वहाँ सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से लेके शाम को 4:30-5 बजे तक नमन मुंशी को अठवा गेट से उठाया गया था और गौरव शर्मा को भी घर से उठाया था। घर से उनका ATM कार्ड, चेकबुक, बिल बुक वगैरह सारी उन्होंने अपने अंडर में कर ली गई थी। विदाता इंडस्ट्री में सुबह 11 बजे से लेकर 5:30 बजे तक लगातार स्केल से मारा था, लात भूसों से मारा था, डंडे से मारा था। किसे मारा था? नमन मुंशी को, राजेश नरवड़िया को, दोनों को मारा था। घनश्याम जाफड़िया, नरेश जाफड़िया तो उसके सहयोगी 4-5 लोगों ने मिलकर उनको बहुत जम के मारा था। नमन की आँख डैमेज हो गई है। और जब हम पुलिस स्टेशन में, मेरे पास खबर मिली सुबह 9:30 बजे, गौरव को फ़ोन किया मैंने, गौरव जी कहाँ पे हो? तो उन्होंने मुझे बताया मुझे नरेश जाफड़िया ने अपहरण कर लिया है। उसके बाद में मेरा एक दोस्त है नौशाद भाई के पास राजेश भाई का कॉल आया। उन्होंने मुझे 11:30 बजे उन्होंने फ़ोन कर लिया, यार राजेश कहाँ पे है? फिर उन्होंने बाद में बताया कि भाई नरेश भाई जाफड़िया ने उनका अपहरण कर लिया। उसके बाद में फिर मैं अड़ाजन पुलिस स्टेशन आया, मैंने वहाँ एप्लीकेशन देने के बाद उन्होंने बोला साहब बाहर गए हुए हैं, बाद में देखते हैं। फिर यहाँ से मैं सीधा, आपने फरियाद नहीं किया? फरियाद किया था मैंने, लेकिन यहाँ देने के बाद में कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद में मैंने 16 नंबर पर फ़ोन किया, फिर मैं ACP ऑफिस गया, वहाँ से आर्य साहब को फ़ोन करवाया गया, तो आर्य साहब ने 3 डिस्टाफ को मेरे साथ भेजा गया था। उसके बाद मेरे मिलने वाले ने सीधा उनको, नरेश जापड़िया को फ़ोन करके बोला भाई मुझे पुलिस स्टेशन में ले आए हैं। उसके बाद में उन्होंने, जब डिस्टाफ वाले मेरे साथ में गए, तो उन्होंने सीधा, उनको पता चलने के बाद अड़ाजन पुलिस कड़ोदरा GIDC पुलिस चौकी में उनको 5:30-6 बजे अरेस्ट कर लिया गया। किंतु राजेश नरवड़िया, नमन मुंशी, उनको क्यों अरेस्ट किया गया? उन्होंने, उनको डर था कि भाई मेरे ऊपर अपहरण का केस लगेगा, इसके लिए उनको अरेस्ट कर लिया गया था। भाई यहाँ से अरेस्ट करवा देते हैं तो हम छुट्टे हो जाएंगे। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि वहाँ पे जो फरियाद ली गई है वो झूठी है? वो झूठी है। और आपने जो फरियाद की करने आए थे वो सच्ची थी, लेकिन आपकी फरियाद नहीं ली? नहीं। हाँ, मेरी। कहाँ पे आप फरियाद करने आए? अड़ाजन पुलिस स्टेशन में। कौन सा दिन? 4 तारीख को मॉर्निंग में, 11:30 बजे। 11:30 बजे। हाँ, ये मेरे पास आए कि अपहरण की फरियाद हुई है इस तरह। फिर हम कड़ोदरा GIDC गए, कड़ोदरा GIDC में हमको पता चला कि भाई इसके ऊपर 3 FIR कड़ोदरा GIDC में, फर्स्ट पार्ट 11/18, 12/18 और 13/18, 3 FIR सिर्फ 45 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर एक ही दिन में, 4/2/2018 के रोज, और एक ही धारा 406, 409, 504, 507 के तहत दाखिल कर दी गई, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 420, 406 की जो भी कंप्लेंट कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ करता है तो उसके अंदर डायरेक्ट इन गुना रजिस्टर नहीं करना है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना है, उसके बाद उसमें गुना बनता है ऐसा रिकॉर्ड पे आता है तो परमिशन लेनी ऊपरी ऑफिसर की, उसके बाद गुना दर्ज करना। लेकिन कड़ोदरा GIDC के PI वर्दी साहब ने बिना जाने समझे, बिना कुछ कानून का अभ्यास किए 3 FIR उन्होंने आरोपियों के ऊपर फाड़ दिए, जो कि देखने में आए तो कानूनन नहीं हो सकती। और उनको पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने ऐसा कहा कि भाई SP का, और उन्होंने SP का ऑर्डर था, और SP के ऑर्डर पे हमने पूछा तो बोला कि हम इंटरव्यू नहीं दे सकते, और उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई मेरा काम गुना दाखिल करना है। हमने जब पूछा कि भाई आपने गुना दाखिल किया तो LCB को तपास क्यों सौंपी, ये कोई ऐसा गुना तो है नहीं कि भाई आप तपास नहीं कर सकते, आप PI हो खुद। इन्होंने जो
मिसिंग रिपोर्ट की थी उसके बारे में आपको बताया, तो उनको फरियाद, उनकी फरियाद, तो उन्होंने कहा कि भाई अड़ाजन पुलिस आई थी, अड़ाजन पुलिस को हमने कहा कि भाई आप ले जाना चाहो तो हमारे पास में ये घनश्याम भाई मौजूद है, नरेश भाई मौजूद है, आप ले, आपका गुनाह दाखिल करना हो तो आप ले जाओ। लेकिन उन्होंने, अड़ाजन पुलिस ने नहीं ले गई, और अड़ाजन पुलिस का कहना है कि वर्दी साहब ने उनसे लिखवा लिया, जो अपहृत व्यक्ति थे नरेश नावड़िया और नमन मुंशी, उनसे ऐसा लिखवा लिया कि भाई मैं तो अपनी गाड़ी में खुद बैठ के गया था। ऐसा अड़ाजन पुलिस के संदीप वाघ डी स्टाफ के जो जो गए थे पुलिस कर्मचारी, उनका कहना है। तो आपस में एक दूसरे को खो दे रहे हैं, और आज तक, अभी तक आज 10 तारीख है, अभी शाम के 6:30 बजे, अभी तक कोई मामला इन्होंने अपहरण का दाखिल नहीं किया।